Hello children, in this video we will get to know what is dictionary and how we can create a dictionary in Python. Dictionaries are mutable, unordered collection of items where each item is a key value pair. Dictionaries क्या है? Dictionaries are mutable. Mutable क्या होता है? That can be changed. जिसे हम change कर सकते हैं, right? Dictionary एक ऐसा स्टोरेज है, एक ऐसा पाइथन का स्टोरेज है, जैसे आपका लिस्ट है, लिस्ट में आप वैल्यू स्टोर करते हो. ओके, वैसे ही डिक्शनरी इज व्हाट इट इज, लाइक अ स्टोरेज, राइट? एक ऐसा स्टोरेज है जिसके अंदर आप आइटम्स को चेंज कर सकते हो, राइट? अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स कि आप जो भी आइटम उसके अंदर स्टोर करोगे, जो भी कलेक्शन उसके अंदर करोगे, जरूरी नहीं है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, राइट? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर, जहां पे क्या होता है, उसका हर आइटम, जो भी आइटम आप डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हो, वो क्या है, वो किस फॉर्म में है, वो की और वैल्यू की फॉर्म में है, राइट? अब समझ में आया डिक्शनरी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, राइट? एंड डिक्शनरी इज म्यूटेबल. वी कैन चेंज द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी एंड वी कैन स्टोर आइटम्स इन डिक्शनरी इन एनी ऑर्डर. ओके, इन एनी ऑर्डर. ओके, नाउ रेदर देन हैविंग एन इंडेक्स एसोसिएटेड विद ईच डेटा आइटम्स जस्ट लाइक इन लिस्ट और स्ट्रिंग. अच्छा, जब आपने लिस्ट और स्ट्रिंग किया था, तब आपने क्या नोटिस किया था? जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं और स्ट्रिंग के आइटम्स होते हैं, उनकी क्या होती है? सबकी इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक है? ओके, इंडेक्स वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द लिस्ट आइटम, इंडेक्स वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग्स, टपल्स, राइट? सबके साथ क्या जुड़ा होता है? इंडेक्स वैल्यू जुड़ी होती है, राइट? बट इन केस ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरीज इन पाइथन हैव अ की एंड अ वैल्यू ऑफ दैट की. लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है? की होती है. इंडेक्स की प्लेस पे आपके पास क्या है? की. ओके, एंड अ वैल्यू ऑफ दैट की. और आइटम क्या हो गया? वैल्यू. ओके, एट प्लेस ऑफ इंडेक्स वी हैव की. ठीक है, प्लेस की, इंडेक्स की जगह पे हमारे पास क्या है? डिक्शनरी में की है और की की वैल्यू है. आइटम क्या है? की की वैल्यू, राइट? नाउ वी विल सी द सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिक्शनरी आप क्रिएट करोगे? डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी का नाम. ओके, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में आप क्या दोगे? की वैल्यू का पेयर. ओके, अब यहाँ पे ये हमेशा आपको, यू ऑलवेज रिमेम्बर डेट की क्या है आपका? एज अ इंडेक्स वैल्यू है, फाइन? और हर की क्या है? एक पर्टिकुलर वैल्यू है, फाइन? सो डिक्शनरी इज व्हाट इट इज, इट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज. ओके, अभी देखो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखोगे. हमने एक ईएमपी डिक्शनरी बनाई. ओके, ये डिक्शनरी का नाम है ईएमपी. उसके अंदर आपने क्या दिया? की दिया, एम्प्लॉय नंबर, और उसकी वैल्यू दे दी 1. ओके, देन आपने सेकंड की क्या दी? नेम, और उसकी वैल्यू दे दी रोहन, राइट? फिर आपने डिपार्टमेंट की बनाई, उसकी वैल्यू दे दी सेल्स, राइट? देन आपने सैलरी की बनाई और उसकी वैल्यू दे दी 40,000. ओके, तो दिस इज योर ईएमपी डिक्शनरी, जिसके अंदर आपकी क्या है? आइटम्स है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू. ओके, नाउ वी हैव इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरीज के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? फाइन, सी, ईच की मैप टू अ वैल्यू, द एसोसिएशन ऑफ द की एंड द वैल्यू इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर. ये हम कर चुके हैं, ठीक है? हर की क्या करती है, क्या कहते हैं, एक वैल्यू को, एक हर की के साथ एक वैल्यू अटैच होती है, फाइन? ओके, और इन दोनों के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? की वैल्यू पेयर, फाइन? ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन. ओके, अब ये क्या बता रहा है? की और वैल्यू के बीच में क्या, आप कैसे सेपरेट करते हो उनको? कॉलन के यूज से सेपरेट करते हो. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे टीचर्स का नाम स्नेहा है और वो क्या है? कंप्यूटर साइंस टीचर है, फाइन? तो कंप्यूटर साइंस टीचर है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में कॉलन आ रहा है, फाइन? तो देखो, द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कोमा. और जब आपको नेक्स्ट आइटम करना है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट की वैल्यू पेयर चाहिए, तो उन दोनों को आप कोमा से सेपरेट करोगे. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, की और वैल्यू के बीच में कॉलन आएगा, और जब, और की वैल्यू पेयर, एक की वैल्यू पेयर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या देना है? आपको कोमा देना है, राइट? कोमा देना है. एंड द एंटायर डिक्शनरी इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. और पूरी की पूरी डिक्शनरी आप क्या करोगे? कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज करोगे, राइट? आप पूरी
जितनी भी वैल्यूज है उसको क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस ब्रेस से उसको स्टार्ट करोगे, कर्ली ब्रेस पे उसको फिनिश करोगे, फाइन ओके। इन डिक्शनरी कीज आर यूनिक व्हाइल वैल्यूज मे नॉट बी। अब ये क्या बोल रहा है, कीज जो आप कीज यूज करोगे वो हमेशा यूनिक होंगी, ओके। यूनिक मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये नहीं है कि आपने एक की को दो वैल्यूज के साथ ज्वाइन कर दिया, नहीं, आप एक की को एक ही वैल्यू के साथ ज्वाइन कर सकते हो, वैल्यू सेम हो सकती है। लाइक आपने जैसे की ली, जैसे आपकी की है, मान लो आपने की ली है वन, और उसकी वैल्यू है मंडे, ओके। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वन की के साथ आपने मंडे को ज्वाइन किया, फिर अगेन आप वन की के साथ ट्यूसडे को ज्वाइन कर दो, नो, ओके। आप वन की के साथ मंडे को ज्वाइन करोगे तो और अगर आपको मंडे का दोबारा चाहिए तो आप उसे किसी दूसरी की के साथ ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये समझ आया कि कीज तो हमेशा यूनिक होंगी, ओके, बट वैल्यूज यूनिक नहीं हो सकती। वैल्यूज क्या कर सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है, एक से ज्यादा बार भी रिपीट हो सकती है। द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप बट द कीज मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब वो क्या कह रहा है, वैल्यूज में हम कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, जो हमें वैल्यूज लेनी है डिक्शनरी में उसमें कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन की हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होनी चाहिए, लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। लेकिन की जो आप बना रहे हो वो क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब ऐसा डेटा टाइप आप लोगे जो चेंज ना हो, फाइन। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लिया आपने, नंबर डेटा टाइप ले लिया, टपल ले लिया, तो आप ऐसा डेटा टाइप लोगे जिसको आप चेंज नहीं कर सकते की के लिए, फाइन, ओके। डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डिक्शनरी क्या म्यूटेबल है, वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और चेंज द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग आइटम्स। डिक्शनरी मैंने आपको अभी बताया भी था पहले, डिक्शनरी म्यूटेबल है, आप इसके आइटम्स को चेंज कर सकते हो, न्यू आइटम्स भी ऐड कर सकते हो और जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज भी आप चेंज कर सकते हो, फाइन। तो आपके जो मेन मेन फीचर्स क्या हो गए, वो क्या हो गए, डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ओके। की वैल्यू पेयर्स आपस में कैसे सेपरेट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉलन, राइट। और की एक की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर से कैसे सेपरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉमास, ओके। डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, ओके। कीज की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी और वैल्यूज मे नॉट बी, मतलब वैल्यूज यूनिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है, ओके। हम वैल्यूज का जो डिक्शनरी में वैल्यूज ले रहे हैं उसका डेटा टाइप कुछ भी ले सकते हैं, बट हमेशा कीज का डेटा टाइप हमें कौन सा लेना है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जो चेंज ना हो, ओके। डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे हम चलो इतना ही इसको ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, फाइन। तो आपने एक डिक्शनरी बनाई, स्नेहा कॉलन कंप्यूटर साइंस टीचर्स के नेम की, ओके। एंड देन रोहन कॉलन, रोहन क्या है, यहाँ पे की है, स्नेहा क्या है, की है, ओके। कंप्यूटर साइंस क्या है, उसकी वैल्यू है, ओके। मैथ्स क्या है, रोहन की वैल्यू है, और आपने दिस इज योर डिक्शनरी, फाइन। नाउ वी हैव मेथड्स टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। टू क्रिएट अ डिक्शनरी वी नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू पेयर्स इन कर्ली ब्रेसेस, फाइन, इन कर्ली ब्रेसेस, ओके। की वैल्यू में क्या होगा, दोनों की और वैल्यू किससे सेपरेट होंगे, कॉलन से। एंड ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर की वैल्यू पेयर बाय कोमा, राइट। वी हैव डन दिस, कैसे करना है, डिक्शनरी कैसे बनेगी, आप डिक्शनरी में आइटम के फॉर्म में की वैल्यूज को डालोगे, ओके। की वैल्यूज को आप सेपरेट करोगे कॉलन की हेल्प से, और एक की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर से किसकी हेल्प से सेपरेट होगा, कोमा की हेल्प से। तो हमारे पास है फर्स्ट मेथड, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी पुट टू कर्ली ब्रेसेस। अभी आपको क्या करना है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। एम्प्टी डिक्शनरी मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम ना हो। तो आपने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया डिक्ट वन इक्वल टू क्या कर दिया, कर्ली, आपने कर्ली ब्रेसेस दे दिए, राइट। दिस इज यू हैव गिवन टू कर्ली ब्रेसेस। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपने एक नाउ व्हेन यू विल प्रिंट दिस, अब जब आप डिक्ट वन को प्रिंट करोगे तो आपका क्या आ गया, आपकी एम्प्टी डिक्शनरी आ गई जिसके अंदर कोई भी आइटम्स नहीं है, राइट। इट इज एन एम्प्टी डिक्शनरी विद नो एलिमेंट्स, दिखा रहे ना, इट इज एन एम्प्टी डिक्शनरी विद नो एलिमेंट्स। अगर आपको टाइप देखना है डिक्ट वन का, तो आप टाइप फंक्शन के अंदर डिक्ट वन वेरिएबल को पास करोगे तो क्या आ गया, इसका क्लास आ गया क्लास डिक्ट, मीन्स क्लास डिक्शनरी,
फाइन, आर यू गेटिंग? अगर आपको सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है और लेटर ऑन उसको यूज करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी वेरिएबल नेम इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस. ओके, यू हैव टू पुट टू कर्ली ब्रेसेस. फाइन, ओके. जब आप उसको प्रिंट करोगे तो क्या आ गया, आपकी एम्प्टी डिक्शनरी आ गई है. फाइन, ओके. आपने टाइप फंक्शन में उस डिक वन वेरिएबल को पास किया, तो आपके पास आ गया ही, इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है डिक्शनरी. फाइन, नाउ वी हैव द सेकंड मेथड. वी कैन एनक्लोज की वैल्यू पेयर्स डायरेक्टली इन कर्ली ब्रेसेस. राइट, आपको क्या करना है, की वैल्यू पेयर्स को कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर देना है. सिंपल. अब यहाँ पे, अब एग्जांपल देखो, आपने d1 वेरिएबल लिया और आपने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स को डाल दिया है. कैसे, यहाँ पे की है इनपुट और उसकी वैल्यू है कीबोर्ड. फाइन, देन आपने कोमा सेपरेट किया नेक्स्ट की वैल्यू पेयर को. आउटपुट क्या है इसका, की है, एंड प्रिंटर क्या है इसकी वैल्यू. देन लैंग्वेज आपकी की है एंड पाइथन क्या है वैल्यू. देन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी की है एंड विंडोज 8 उसकी वैल्यू होगी. फाइन, अब ये क्या हुआ, जब आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज को डाल दिया, तो ये क्या बन गया, डिक्शनरी बन गया. नाउ d1 इज अ डिक्शनरी. फाइन, जब आप इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट d1, नाउ यू कैन सी इट विल शो यू द डिक्शनरी. अब यहाँ पे आपकी की वैल्यू पेयर्स की क्या आ गई, डिक्शनरी क्रिएट हो गई. ओके, नाउ वी हैव मेथड सी. द फंक्शन डिक्ट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद नो आइटम्स. आप डिक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए. बट क्या होगा, इस केस में भी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी. आपने क्या किया, एक वेरिएबल दिया डी, ओके, इक्वल टू डिक्ट फंक्शन दे दिया. अब आप जब प्रिंट को डी, आपकी जो डी वेरिएबल है उसको प्रिंट कराओगे, तो आपका क्या आएगा, एम्प्टी डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई है. ओके, आप टाइप दे सकते हो कि डी वेरिएबल का टाइप क्या है, तो यहाँ पे आ चुका है क्लास डिक्ट. फाइन, क्लास डिक्शनरी. ओके, सो कर्ली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट एम्प्टी डिक्शनरी. ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कैसी डिक्शनरी बनी है, डिक्ट फंक्शन से एम्प्टी डिक्शनरी बनी है. ओके, टू एड एन आइटम टू द डिक्शनरी वी कैन यूज स्क्वेयर ब्रैकेट्स फॉर एक्सेसिंग एंड इनिशियलाइजिंग डिक्शनरी वैल्यूज. अब क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, कि आप ये एम्प्टी डिक्शनरीज में वैल्यूज डाल सकते हो, कैसे, बाय यूजिंग द स्क्वेयर ब्रैकेट्स. राइट, ओके. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, की वैल्यू दे दी डी की, डी ये दिस इज योर की वैल्यू, जो आपने ब्रैकेट्स में दी है वो की वैल्यू है. ओके, और इक्वल टू करके जो वैल्यू दी है वो की वैल्यू है. यहाँ पे 1 क्या है, की है, और रेड क्या है, उसकी वैल्यू. फाइन, ये बोल रहा है ना, वी कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एक्सेसिंग एंड इनिशियलाइजिंग डिक्शनरी वैल्यूज. अब आप क्या करोगे, डी स्क्वायर ब्रैकेट, यू विल गिव द वैल्यू ऑफ द की, स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू आएगी, की वैल्यू, और इक्वल टू के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, उस की वैल्यू. राइट राइट ओके. अब डी टू, अब यहाँ पे टू क्या है हमारी, की, और ब्लू क्या है, उस टू की क्या है वैल्यू. देन हमारी थ्री, थ्री क्या है, की, और थ्री की वैल्यू क्या है, वाइट. फोर आपका की एंड फोर की वैल्यू क्या है, ग्रीन. ओके, अब आपने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया. नाउ पहले क्या डी था, पहले हमारी डी एम्प्टी थी. फाइन, अब जब आप डी को प्रिंट कराओगे, तो नाउ यू कैन सी इट इज अ डिक्शनरी हैविंग फोर की वैल्यू पेयर्स, 1 रेड, 2 ब्लू, 3 व्हाइट एंड 4 ग्रीन. राइट, ओके. सो अभी आपने एम्प्टी डिक्शनरी को क्या कर दिया, एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर आपने आइटम्स डाल दिए हैं. फाइन, नाउ हेयर वी विल डू वन एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी. अब हम यहाँ पे एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल कर लेते हैं. ओके, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एम्प्लॉय नंबर एंड नेम्स ऑफ फोर एम्प्लॉयज. हमें क्या करने हैं, रीड करने हैं पहले फोर एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर एंड नेम्स. ओके, एंड क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम इट हैविंग एम्प्लॉय नंबर्स एज कीज. और जो भी हम ये रीड करेंगे, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम्स, इसकी इससे इसकी हेल्प से हमें क्या बनाने, डिक्शनरी बनाने, जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर क्या बन जाएंगे, कीज. फाइन, ओके. सबसे पहले आपने क्या लिया, एक वेरिएबल या ईएमपी नंबर, और उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी लिस्ट से. फाइन, ईएमपी नंबर हमने वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी लिस्ट से. अब ईएमपी नंबर क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है. फाइन, फिर आपने ईएमपी नेम लिया, उसको भी आपने एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया. फाइन, हमारे पास दो एम्प्टी लिस्ट है जिसके अंदर हमें क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है. फाइन, अब क्या करना है, आपको 1 बाय 1 एंट्री करानी है एम्प्लॉय नंबर की और एम्प्लॉय नेम की. ओके, तो आप क्या करोगे, फोर लूप का यूज करोगे. फोर आई इन रेंज 4, 4 दिया है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 0, 1, 2, 3,
ठीक है, क्योंकि एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1, 4 -1 3, तो ये आई क्या लेगा, पहले जीरो इंडेक्स वैल्यू लेगा, फिर 1 इंडेक्स वैल्यू लेगा, फिर 2 इंडेक्स वैल्यू लेगा, फिर 3 इंडेक्स वैल्यू लेगा। ओके फाइन, ओके नाउ सबसे पहले आई ने क्या किया, जीरो इंडेक्स वैल्यू लिया, जीरो इंडेक्स फाइन। अब इसके बाद क्या है, कंट्रोल अंदर जाएगा फोर लूप के अंदर। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, ई नंबर एंड ई नेम, इक्वल टू ईवेल, ईवेल इनपुट, एंटर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम्स। ओके, इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं क्या, एंटर एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। और इनपुट फंक्शन का क्या यूज होता है, इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम यूजर से इनपुट कराते हैं, फाइन। ओके, अब यहाँ पे ईवेल फंक्शन का क्या यूज है, ईवेल फंक्शन क्या होता है, इवेलुएट करता है, इवेलुएट करता है, इवेलुएट, मैंने आपको ये पहले भी बताया था अपनी वीडियोज में, ईवेल फंक्शन का यूज है जो भी डेटा टाइप आप डालोगे, ओके, बाय यूजिंग द इनपुट फंक्शन, वो उसको उसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन टेक्स वैल्यू एज स्ट्रिंग। ओके, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, फाइन। लेकिन ईवेल फंक्शन क्या करेगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ही रहने देगा, इंटीजर वैल्यू डाली है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट वैल्यू डाली है तो उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, फाइन। तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, दो इनपुट कराएंगे, पहला इनपुट जाएगा आपका ई नंबर में और दूसरा इनपुट जाएगा आपका ई नेम में, फाइन। अब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, ई एम पी नंबर, ई एम पी नंबर हमारी ये वाली लिस्ट है जो एम्प्टी है, डॉट अपेंड, डॉट अपेंड, अपेंड मतलब ज्वाइन करना, और उस अपेंड फंक्शन में हमने क्या ज्वाइन कर दिया, ई नंबर। जो भी आप एम्प्लॉय नंबर डालोगे, यूजर डालेगा, वो किस में अपेंड हो जाएगा, ई एम पी नंबर वाली लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, मतलब वहां ज्वाइन होता जाएगा, पहले फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर, देन सेकेंड एम्प्लॉय नंबर, देन थर्ड, ऐसे ऐसे ही आपने ई एम पी नेम वाली लिस्ट के साथ अपेंड कर दिया, किसको, ई नेम को। ई नेम में जो भी आप एम्प्लॉय नेम डालोगे, वो एम्प्लॉय नेम वाली लिस्ट में अपेंड होता जाएगा, ज्वाइन होता जाएगा, राइट। ओके, जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, पहले ये जीरो इंडेक्स की वैल्यू लेगा, ओके, देन 1, देन 2, तो ये कितने बार चलेगा, ये चलेगा आपका 4 टाइम्स, राइट। ओके, अब आपने क्या किया, डी इक्वल टू, आपने यहाँ पे डिक्शनरी का सिंटेक्स दिया, ई एम पी नंबर 0, ओके, ई एम पी नंबर जो आपकी ये वाला है लिस्ट में, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी, ओके, कॉलन ई एम पी नेम, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी, मतलब जो आप फर्स्ट वैल्यू आई, जब जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू लेगा, ठीक है, पहले आई जीरो इंडेक्स लेगा, उसके अंदर आपने वैल्यू एंटर करा दी फर्स्ट, जैसे जीरो इंडेक्स पे आई आपने एंटर कराई 101 एंड रोहन, तो वो कहाँ पे आपकी जाएगी, ई एम पी नंबर 0 एंड ई एम पी नेम 0, फाइन। देन आई क्या लेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू लेगा, तो आपने वो प्रिंट करा दी, ई एम पी नेम 1, सॉरी ई एम पी नंबर 1, ई एम पी नेम 1, 1 इंडेक्स की आपकी वैल्यू है 102 एंड श्याम, फाइन। देन आपने फिर आई किसकी वैल्यू लेगा, 2 इंडेक्स की वैल्यूज लेगा, तो वो 2 इंडेक्स की वैल्यूज आपकी यहाँ आ गई, ई एम पी नंबर 2 एंड ई एम पी नेम 2, ये वाली 103 एंड दिस गीता, राइट। देन आपका आई क्या लेगा, 3 इंडेक्स की वैल्यूज, 3 इंडेक्स वैल्यू लेगा, और 3 इंडेक्स पे आपने क्या एंटर करा है, 104 एंड नेहा, राइट, तो ई एम पी नंबर 3 एंड ई एम पी नेम 3, ओके, समझ आया। आपने क्या किया, आप यहाँ पे आई क्या करेगा, 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक की वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा, आपने 0 इंडेक्स पे क्या दिया, 101 एंड रोहन, ठीक है, 101 जाके अपेंड हो गया लिस्ट में, इस वाली ई एम पी नंबर लिस्ट में, एंड रोहन जाके अपेंड हो गया ई एम पी नेम में, क्योंकि आपने इसको डॉट अपेंड फंक्शन से क्या किया है, ई नंबर और ई नेम को पास किया है, फाइन। जब ये पूरा लूप मतलब 4 एम्प्लॉयज का इसने ले लिया, उसके बाद आपने क्या किया, लिस्ट में ये वैल्यूज पास कर दी, ई एम पी नंबर 0 मतलब 0 इंडेक्स पे, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, ई एम पी नंबर 0 लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैप हो जाए लिस्ट ई एम पी नेम के 0 इंडेक्स की वैल्यू से, राइट। ओके, एंड इन द एंड ऐसे करके आपने क्या किया, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका की वैल्यूज आपने क्रिएट कर दिया, ओके, देन प्रिंट क्रिएटेड डिक्शनरीज, आप दिखाओगे कौन सी आपने स्टेटमेंट दिया है, क्रिएटेड डिक्शनरीज प्रिंट डी, प्रिंट डी, जब आप इसको प्रिंट कराओगे ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्रिएटेड डिक्शनरीज, अब आप प्रिंट कराओगे तो आप देख सकते हो 101 रोहन, जो आपने 0 इंडेक्स पे एंटर कराया था जो फर्स्ट लूप में, सेकंड लूप में 102 श्याम,
फाइंड थर्ड लूप में 103 गीता एंड फोर्थ लूप में 104 नेहा, ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। फाइन, ये आपकी डिक्शनरी है। ओके, सो दीज वर द वे टू क्रिएट द डिक्शनरी। नाउ चिल्ड्रन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक ऑफ डिक्शनरी। ओके, बाय बाय।